सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। और आज की इस वीडियो में मैंने आज व्लॉग नहीं डाला, इस बात के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा गाने वाने बज रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल सरस्वती पूजा थी, तो इस वजह से अभी तक गाने वाने बज रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू केयर बेबी गिनी पिग्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेबी गिनी पिग्स के आप लोग जो भी गिनी पिग ओनर होंगे, जिनके गिनी पिग ने बच्चे दिए भी होंगे, वो लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि जब भी गिनी पिग बच्चे देती है वो, और वो लोग अगर रैबिट भी पाले होंगे चाहे नहीं भी पाले होंगे, वो लोग सब देख नोटिस किया होगा उन लोगों ने कि जब भी गिनी पिग बच्चे देते हैं तो सारे के सारे बच्चे पूरे तरीके से बाल के साथ पैदा होते हैं, आंखें भी खुली होती है, कोई ज़्यादा उनको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ऐसा नहीं है कि रैबिट के बच्चे की तरह अगर ये नहीं है, रैबिट ओनर्स अगर हैं तो वो समझ सकते हैं, रैबिट जिन्होंने पाला होगा, चाहे अभी रैबिट गिनी पिग साथ में पाल रहा है, जो भी हो, तो ऐसा नहीं है कि रैबिट की तरह अगर ये लोग नहीं है पूरे बाल की तरह बड़े गिनी पिग की तरह पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्हें दूध नहीं पीना है। इन लोगों को भी मदर मिल्क पे फीड करना है ऑलमोस्ट नहीं टिल 1 मंथ, और उससे कुछ दिन 2-3 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अच्छी ही ग्रोथ होगी, अच्छी ही बात है। तो इन लोगों को सबसे बड़ी फीडिंग, इनका सबसे बड़ा केयरिंग है टेम्परेचर, मतलब गर्मी में इनकी केयरिंग जिस हिसाब से करनी चाहिए, और ठंडी में। तो ठंड में इनको जब ये पैदा होते हैं तो कुछ दिनों तक, जब तक इनके बाल थोड़े मोड़े कम रहते हैं तब तक इन्हें, अगर आपके पास हीटर है तो हीटर थोड़ा बड़ा प्रोवाइड करें 10-15 मिनट के लिए, अदरवाइज़ आप सनलाइट में भी ले जा सकते हैं। ये बस ओनली विंटर टाइम पे है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे गिनी पिग ने विंटर टाइम पे बेबीज दिए थे। और चलते हैं अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ, इनका खाना। अब ये बात तो है कि ये रैबिट्स के बच्चों की तरह पैदा नहीं होते, पर ये मदर मिल्क पे फीड करते हैं तो ये खाना भी खाते हैं, और ये इतने मतलब कह सकते हैं लोग रैबिट्स के मुकाबले इतने इनमें अच्छे गुण कह सकते हैं, ये इन लोग पैदा होने के 1-2 दिनों बाद तुरंत, या मेरे गिनी पिग ने तो 14-15 घंटे हुए थे पैदा हुए, घास रोटी ये सब जैसी चीज़ें जो आप अगर इसके अगर क्या आपको इसके मदर के साथ ही रखना चाहिए, ये भी एक केयरिंग पॉइंट है, कभी भी आपको स्टार्टिंग के 10-15 डेज मदर से कभी भी अलग नहीं करना है। और यही है, तो कभी भी गिनी पिग को मदर से अलग नहीं करना है। तो हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जो था कि इनकी मदर को जब भी हम कुछ खाना देंगे तो जो भी बच्चे रहते हैं वो चखने लगते हैं, चखने टेस्ट करने सब लगते हैं, खाने पीने लगते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से इनकी ज़्यादा केयरिंग नहीं करनी पड़ती। अब चलते हैं हम लोग इनके पूरे ग्रोथ के day 1 से लेके day 30 तक। तो day 1 में इन लोग जब पैदा होते हैं तो ये कमज़ोर से होते हैं, उतने भी एक्टिव नहीं होते, और जो ही इनके 10-15 दिन बीत जाते, 10-15 दिन नहीं 5-7 दिन भी हो जाते हैं, अगर आपके गिनी पिग की ग्रोथ अच्छी हो रही है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इसको रख के बताता हूँ, ये हमारी सेकंड वाली बेबी है, ये देखिए, इसे मैं छूने जाऊँगा तो ये तुरंत भागेगी, देखिए बिल्कुल ये दोनों छुआव में नहीं आना चाहते। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, उससे पहले आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, ये 30 दिन यानी 1 महीने तक मदर मिल्क पे फीड करते हैं, और पैदा होने के 1-2 दिन बाद ये ग्रास खाना, ये सब रोटी, ये सब वगैरह वगैरह भी खाने लग जाते हैं, और पूरे इनकी 1 महीने तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, 1-2 दिन तक, और इस हिसाब से इनकी केयरिंग की जाती है। और ये वाला जो मेरा गिनी पिग है, इसका एक साइड वाला आँख था जो ख़राब था, खराब नहीं, इसकी इस वाली आंख पे परत जमी हुई थी वाइट कलर की, और ये परत मैंने कुछ किया भी नहीं,
मुझे शुरू में बड़ा डर लगता था ये बच्चे का भी, कि इसका मुंडी भी थोड़ा टेढ़ा था। मैंने बस इसकी अच्छे से केयरिंग की, खाना पीना दिया, और ये अब आप आपके सामने देख सकते हैं, ये भी एक्टिव अच्छा खासा है, ग्रोथ ये सब अच्छी है, इसका आँख भी ठीक है और सिर भी अब सीधा हो चुका है। तो ये था मेरा आज का वीडियो गिनी पिग्स के बेबी केयरिंग के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और अपने किसी भी गिनी पिग ओनर फ्रेंड या रिलेटिव के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, मिलते हैं आपसे कल।